दोस्तों, अगर आपने भी एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है और उस फेसबुक पेज पे आप रील्स अपलोड करते हो चाहे वीडियोस अपलोड करते हो, आपको भी पता है फेसबुक पेज से अर्निंग तभी होती है जब हमारा कोई ना कोई मोनेटाइजेशन टूल एनेबल हो जाता है। और दोस्तों, अगर वो मोनेटाइजेशन टूल ही हमें ना शो हो हमारे फेसबुक पेज पे, तो हम उसको बाद में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे नहीं। एक्चुअली क्या है, मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे इस तरीके के कि हमें वहां पे अपने मोनेटाइजेशन में एड ऑन रील्स का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा या इन स्ट्रीम एड का नहीं दिखाई दे रहा। यही दो तीन मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होते हैं, एक एड ऑन रील्स, इन स्ट्रीम एड, जिनसे हम मेनली अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे, बाकी बातें थोड़ी बाद में करेंगे। ये देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फेसबुक का आपको दिख रहा होगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ अपना लिंक कैसे कॉपी करते हैं फेसबुक पेज का। इस प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये काम आएगा। और अब ये थ्री डॉट, ये नीचे बड़ी इजीली आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपका फेसबुक पेज का लिंक दिखाई दे रहा होगा। जस्ट यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने ये चीज बता दी। अब फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये थ्री डॉट का, जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं अब आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, हम यहाँ से अपने मोनिटाइजेशन टूल देख सकते हैं बड़ी इजिली। ये देखो, जैसे मोनिटाइजेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर दोस्तों जितने भी मोनिटाइजेशन टूल होते हैं जिससे हम अर्निंग करते हैं, यहाँ पे बड़ी इजिली आप देख सकते हो। स्टार्स, एड ऑन रील्स, बोनसेस, लाइव एड्स, इन स्ट्रीम एड्स, सब्सक्रिप्शन, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अर्निंग के वो यही होता है। एक तो इन स्ट्रीम एड, ये लॉन्ग वीडियोस के लिए होता है, और एक एड ऑन रील्स, ये रील्स के लिए होता है। यही दो मोनेटाइजेशन टूल दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिनकी वजह से हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट ले लेना आप। जिन लोगों को जिस भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कोई सा मोनेटाइजेशन टूल यहाँ पे शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शॉट ले लो और मैं बताता हूँ करना क्या है। दोस्तों बहुत सिंपल वीडियो होने वाला है, देखिए, लेकिन बहुत नॉलेजेबल होगा आप लोगों के लिए। ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हेल्प सेंटर और रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। यार ये बहुत सारों के साथ होता है, ये बिल्कुल जिस पे दिखा रहा हूँ बिल्कुल मेरा नया ही फेसबुक पेज है। अब देखो, जैसे उस पर क्लिक किया, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। देखिए, क्रिएटिंग रिपोर्ट, इसमें दोस्तों अब देखो जैसी क्रिएटिंग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। और जैसे ही ये होगी, अब मैं बताता हूँ इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है। ये दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, डोंट इंक्लूड इन रिपोर्ट, जस्ट इस पे क्लिक करते हैं। इसमें दोस्तों आप चीज का ध्यान रखना, एक अगर प्रोफाइल से कंप्लेंट कर रहे हो तो प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर पेज से कर रहे हो तो पेज सेलेक्ट कर सकते हो। हम पेज से ही कर रहे हैं तो पेज सेलेक्ट किया। और ये देखो, डिस्क्राइब द इशू, इसके अंदर हमें फेसबुक को बताना है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। ये दोस्तों मैंने पहले ही एक नोटपैड पे एक चीज लिख रखी है, ये देखिए। आप भी प्रॉपर तरीके से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या लिखना है। ये देखो, मैंने इसमें यही बताया, डियर फेसबुक टीम, मैं फेसबुक में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरा जो मोनेटाइजेशन टैब है उसके अंदर मेरे को इन स्ट्रीम एड, एड ऑन रील्स, लाइव एड्स, इस तरीके से जो भी आपका शो नहीं हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर वो मेंशन कर देना। और ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता के चल रहा हूँ। और ये देखो, ये फेसबुक पेज लिंक बिलो, ये है दोस्तों वो लिंक जो मैंने बताया था कॉपी करने के लिए। यहाँ पे आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फेसबुक के पास बहुत ज्यादा हजारों में लाखों में कंप्लेंट जाती है। अगर आप अपने पेज का लिंक मेंशन नहीं करोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा सॉल्यूशन जल्दी से प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ये लिंक जरूर मेंशन करना होगा आपको अपनी इसके अंदर। और ये देखो, डिस्क्राइब द इशू, मैं जस्ट उसको कॉपी किया वहां से और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, ये लिंक जरूर चेंज कर लेना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब नीचे देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड फ्रॉम फोन, वो मैंने बोला था स्क्रीन शॉट लेने के लिए। जो भी आपकी गैलरी में जो स्क्रीन शॉट लिया था आपने, वहां से बड़ी इजिली इसको अपलोड कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसके अंदर बताता हूँ। मेरे इसमें तो सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, आपके में जो नहीं दिखाई दे रहा होगा, चाहे एड ऑन रील्स है, चाहे इंस्ट्रीम एड है, कुछ भी, वो आपको यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लगाना है। और दोस्तों जैसे इसको करोगे आप लोग देख सकते हो, चाहे एड ऑन रील्स का आपका मिसिंग हो या कुछ भी, इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। और ये देखिए, राइट कॉर्नर में बड़ी इजीली इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड होगा फेसबुक के पास आपका ये चला जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है फेसबुक की टीम इसके रिव्यू करेगी, इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, और बहुत जल्दी 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर आपके पास रिप्लाई जरूर आएगा, नोटिफिकेशन जरूर आएगा, और 100% आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, कंटिन्यूअसली अपने फेसबुक पेज पे रील्स अपलोड करो, वीडियोस अपलोड करो अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। और दोस्तों इनमें से कोई ना कोई मोनेटाइजेशन टूल बहुत जल्दी आप पे एनेबल हो जाएगा, आप फेसबुक पेज से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों जाते जाते यही कह रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो से लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, या कोई ऐसी चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की जो शायद आपको पहले नहीं पता थी, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, सीखते रहिए, ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।